हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है और मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन तज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज मोटापन सम्मोहन द्वारा कैसे कम करना या वेट लॉस कैसे करना। काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं कि वजन कम करना है और सम्मोहन के माध्यम से करना है। कि होता क्या है कि हंगर जो है, हंगर भूख, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड से उसके सिग्नल्स आते रहते हैं भूख के, या कोई भी चीज़ खाने की जो इच्छा होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से खाने की इच्छा होती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कोई जंक फूड खाना, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर ऐसे फूड है, या मिठाई खाना, या जो भी ऐसी कुछ चीज़ें खाना, उसकी इच्छा जो तीव्र इच्छा होती है, मतलब कॉन्शियस माइंड बोलता है कि मैंने नहीं खाना चाहिए, मेरा मुझे वजन कम करना है, मगर वो सामने आने के बाद में वो चाय रहो या मिठाई रहो या घी के पदार्थ रहो या फिर कोई जंक फूड रहो, वो सामने आने, चीज़ बटर रहो, वो सामने आने के बाद में ऐसी इच्छा हो जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड से इम्पल्सेस आते कि नहीं मैंने खाना चाहिए, और वो आदमी खा लेता है। खुद का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए बोलते कि मुझे समझता है सब कुछ मगर मैं कर नहीं सकता। इसके लिए सम्मोहन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम सम्मोहन का प्रयोग यहाँ करने वाले हैं और इसमें मैं अभी बताने वाला हूँ इनको कि सम्मोहन के माध्यम से मोटापा कम करने के लिए सूचनाएँ कैसी देना, सजेशंस कैसे देना सबकॉन्शियस माइंड को। तो अभी हम बैठेंगे, तो आपने अभी पैर तो ऐसे मोड़ लिया, कैंची मार लिया पैर को, फिर हाथ आपने ऐसे करना है, आंखें बंद करना है, और मैं आपको पहले, मेरे तरफ देखिए आप, पहले क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगा रिलैक्स। रिलैक्स इसका मतलब हो गया शिथिल करना, तो पूरा बदन आपने शिथिल करना है, ढीला छोड़ने का। फिर मैं आपको बोलूंगा स्लीप, बार 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 स्लीप इसका मतलब हो गया सोना, बेड के ऊपर लेटना सोने का। और मैं बार 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 बोलूंगा डीप, डीप मतलब गहरा। तो मैं जब डीप ऐसा बोलूंगा तो आप गहरी गहरी गुफा में अंदर जा रहे हैं, ऐसी आपने कल्पना करना है। डीप मतलब गुफा में अंदर जा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। स्लीप मतलब आप सो रहे हैं गद्दे के ऊपर लेटे हुए हैं, और रिलैक्स मतलब पूरा बदन शिथिल करने का। और फिर मैं आपको 1 से 10 तक गिनती कराऊंगा, और गिनती करने के बाद में आप सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। सम्मोहन अवस्था में मतलब हिप्नोसिस में होता क्या है, कॉन्शियस माइंड ऑल्टर स्टेट में जा रहा है, ऑल्टर्ड स्टेट सो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड सूचना ग्रहण करने के लेवल पे आता है, वो सूचना ग्रहण करने के लेवल पे आता है, स्टेज पे आता है। तो सम्मोहन में हम कॉन्शियस माइंड को सुलाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट सूचनाएं देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा है कि उसको लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, सरासर विचार करने की बुद्धि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं है, उसको लॉजिक नहीं है, उसको सूचना दी गई तो उसका वो पालन करता है। तो उसको ये समझता नहीं कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, लॉजिक नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सम्मोहन की अवस्था में कॉन्शियस माइंड को बाजू करते हैं। जो कॉन्शियस माइंड लॉजिकली आर्ग्यू करेगा, लॉजिकली सत्य असत्य झूठ बराबर सही बराबर है कि नहीं गलत है, जो भी करता है कॉन्शियस माइंड करता है, तो वो कॉन्शियस माइंड को हम सुना देंगे और सबकॉन्शियस माइंड को सूचनाएँ देंगे, और वो सूचना का पालन फिर सबकॉन्शियस माइंड करता है। और वो सूचनाएँ मैं आपको दूंगा, और उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन की भी सूचनाएँ दूंगा। ठीक है, तो अभी आप रिलैक्स लेटो, एकदम रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स 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 करना है। दोनों पैर रिलैक्स करो, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पैरों के पंजे रिलैक्स हो गए, पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स, पैरों के पंजे रिलैक्स, अंगूठे रिलैक्स, पैरों के तलवे रिलैक्स, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो,
सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, दोनों गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, आंखों की पलकें रिलैक्स करो, आंखों की पलकें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा सिर रिलैक्स करो, सिर रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, पूरा चेहरा रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो और गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है, पूरी बॉडी और रिलैक्स 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 करो, आप एकदम रिलैक्सेशन के स्टेट में गए हो। मैं अभी 1 से 10 तक गिनती करूँगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी, और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। 1 2 3 4, गो डीपर एंड डीपर, 5 6 7 8, यू आर गोइंग इन टू अ डीपर एंड डीपर स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो और डीप 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 जा रहे हो। 9 10, एंड नाउ स्लीप 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 डीप, मैं अभी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं, वह सूचनाओं का अच्छी तरह पालन आपने करना है, वह सूचनाएं अपने रोज के जीवन में रोज के व्यवहार में अपनाने की है। आपका अभी सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही रिसेप्टिव हुआ है, वो सूचनाएं लेने को तैयार हो रहा है, वो सूचनाएं अभी ले रहा है। मैं अभी सबकॉन्शियस माइंड को सूचनाएं दे रहा हूँ, वो सूचना का पालन करना है, वह सूचनाएं अपने रोज के जीवन में व्यवहार में अपनाने की है। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें, मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें खाने की आपकी इच्छा दिन ब दिन कम कम होते जाएंगी। पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड जैसी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ खाने की आपकी इच्छा दिन ब दिन कम कम होते जाएंगी।
पिज़्ज़ा बर्गर जैसे जंक फूड, तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ खाने की आपकी इच्छा दिन ब दिन कम कम होते जाएंगी। आप अभी अपने आप को देख रहे हो, आप रोज के जीवन में, रोज के खाने में, रोज के अपने व्यवहार में तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, जंक फूड, पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें खा नहीं रहे हो, खाने की आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है और आपका वज़न कम हो चुका है, आपका वज़न एकदम बहुत ही जैसा चाहिए वैसा कम हो चुका है, आप एकदम फिट, तंदुरुस्त, थिन और स्लिम हो चुके हो। आपने भी अपने आप को देखना है, आप बहुत ही फिट एंड स्लिम हो चुके हो, आपने मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें, जंक फूड ये खाना बंद कर दिया है, आप एकदम रोज हेल्दी और अच्छा खाना खा रहे हो। आप अपने आप को देख रहे हो कि आप एकदम फिट एंड थिन एंड स्लिम हैं। आपको मिठाइयाँ, जंक फूड, तली हुई चीज़ें खाने की इच्छा कम हो रही है और आप बहुत ही फिट एंड तंदुरुस्त दिखते हो। अभी अपने आप को देखना है कि आप एकदम फिट और थिन और स्लिम हैं। आप लोगों को मिल रहे हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं, लोग आपको पूछ रहे हैं कि आपने इतना वज़न कैसे कम कर दिया, आपका फिटनेस देख के लोग आपकी बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि आप जो लोगों के साथ में हो, हरदम रहते हो, वो लोगों के साथ में अभी है, राइट नाउ है, वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो जो बात बोल रहे हैं वो आप सुनो, आप उनसे जो बात बोल रहे हैं वो भी आप सुनो, पूरा विजुअलाइज़ करो, उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, उनके साथ में और कौन कौन लोग हैं, कौन सी जगह में आप उनको मिले हो, वो जो बोल रहे हो वो आप पूरा सुन रहे हो और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही तंदुरुस्त, बहुत ही फिट, बहुत ही कॉन्फिडेंट आपको लग रहा है, क्योंकि आपका वज़न बहुत ही कम हो चुका है, आप एकदम फिट, थिन एंड स्लिम हो गए हो। आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है कि इतना मैं तंदुरुस्त कैसा हो गया हूँ, बहुत ही फिट है, वाह वंडरफुल, बहुत अच्छा। वो लोग आपको बोल रहे हैं कि आपने ये किया कैसे, आप उनको बता रहे हैं कि मैंने कौन सी चीज़ें खाना बंद कर दिया, मैंने एक्सरसाइज किया, मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, खाने में मेरा कंट्रोल है, और आपने कैसा कैसा किया उनको आप बता रहे हो और वो आवाज़ आप सुन रहे हो, लोगों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे हो, खुद को आप एकदम फिट तंदुरुस्त देख रहे हो, उस समय लोगों ने जो बोला वो आप सुन रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो आप फील कर रहे हो, बहुत ही फिट, बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, अच्छा आत्मविश्वास आपको आया हुआ है और आप रोज अपने खाने में सिर्फ हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, जो डाइट, जो खाना आपको फिट रखेगा वही खाना आप खा रहे हो, आपकी भूख भी बहुत कम हो चुकी है और जब भूख लगती है तभी आप खाते हो, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है रोज के जीवन में। फिर से एक बार देखो अपने आप को, बहुत ही फिट, स्लिम, थिन, हेल्दी, आपके मसल्स बिल्ड हो चुके हैं, लोग अपने बारे में, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, आप उनको सुन रहे हो, आपको भी अच्छा लग रहा है, आप एक्सरसाइज भी रोज करते हो, खाने में बहुत कंट्रोल आया हुआ है, खाने में सिर्फ हेल्दी फूड खाते हो, जंक फूड पिज़्ज़ा बर्गर जैसी तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ बहुत ही कम हो चुकी है खाने में, सिर्फ हेल्दी फूड खाते हो,
आपका वजन कम हो चुका है, आपको बहुत हल्का लगता है, बहुत एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक आपको लगता है, बहुत ज़्यादा आप काम कर सकते हो भी, बहुत ही मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, वेरी गुड। अभी मैं आपको कल्पना करने के लिए और एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़े बलून में बैठे हो, एकदम कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा आसानी से आराम से बैठे हो, और बलून के बाहर एक दूसरा प्रशांत खड़ा है, वो आपकी प्रतिमा है दूसरी, और वो एकदम आदर्श प्रतिमा है, आप जैसा बनना चाहते हो दिखने में वैसा वो दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ही क्लियर विजुअलाइज आप उसको कर रहे हो, उसके कपड़े, उस कपड़ों का रंग, उसके हाव भाव, हलचल सब देख रहे हो आप। वो जो बलून को एक खिड़की है, वो खिड़की में से वो अंदर आ रहा है, वो अंदर आ गया बलून में, आपके गले मिला और आपके उसने बदन में प्रवेश कर लिया, आप और वो एक हो चुके हो, एक ही हो गए आप, एक रूप हो गए, और वो नया आइडियल जो है, नया आइडियल प्रशांत जो आप चाहते हो, वो भी आप बन गए हो, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत एनर्जेटिक, एकदम फिट। अपने आप को देखो, कितनी एनर्जी आ गई है, कितना फिट है आप, कितना स्लिम एंड थिन है, बहुत मज़ा आ रहा है, काम भी बहुत कर रहे हो, और जो आप करना चाहते हो सब कुछ हो रहा है। मैं भी 1 से 3 तक गिनती करूँगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे आपका इमेज बहुत ही क्लियर होता जाएगा, आपकी अनुभूति जो है एंथुजियाज्म की, एनर्जी की, उत्साहित होने की और बढ़ेगी। अपने आप को ऐसा देखेंगे आप, 1, 2, 3, आप एक नया इंसान, नया प्रशांत बन चुके हो, ट्रांसफॉर्म्ड। वो बहुत ही फिट है, स्लिम है, एकदम तंदुरुस्त है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, सभी काम फटाफट कर देता है और बहुत उत्साह के साथ में करता है। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत जबरदस्त, वाह। उसको पूरा देखो, वो प्रशांत को, वो क्या बोल रहा है वो सुनो, वो क्या फील कर रहा है वैसा फील करो, बहुत जबरदस्त। अभी मैं 3 से 1 तक गिनती करता हूँ, जैसी जैसी गिनती कम कम होती जाएंगी वैसी वैसी आपकी संभावना अवस्था खुल जाएगी और आपको जागा जाएगी। 3, 2 और 1, उठो जाग जाओ, आंखें खोलो। तो इस तरह की सम्मोहन की ये प्रक्रिया है, ये मोटापा कम करने के लिए बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। ये प्रक्रिया कम से कम 2 बार दिन में करनी चाहिए। ये मैंने परसम्मोहन किया, हेटरो हिप्नोटिज्म। अभी आप ये खुद सीख सकते हो और वो स्व सम्मोहन कर सकते हो, सेल्फ हिप्नोसिस, जिसमें मैंने बोला कि आपके हाथ रिलैक्स हो रहे, तो स्व सम्मोहन में बोलने का है कि मेरे हाथ रिलैक्स हो रहे। मैं बोला कि आपके पैर रिलैक्स हो रहे, स्व सम्मोहन में बोलने का है कि मेरे पैर रिलैक्स हो रहे। कम से कम 2 बार आप कर रहे हो और 10 से 20 तक सेशंस आप करते हो, और जैसा भी मैंने प्रक्रिया बताई वो प्रक्रिया के साथ में डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। लोगों ने 10 किलो से लेकर 20 किलो तक वजन 3 से 6 महीने में कम कर दिया है ये सेशन के माध्यम से। सो वेरी गुड, वंडरफुल, ठीक लग रहा है आपको, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये आपके संपर्क में काफ़ी लोग होंगे जिनको मोटापा कम करने का है, मोटापा कम नहीं हो रहा है, वजन कम नहीं हो रहा है, आप उनको ये जो चैनल के ऊपर मेरी जो सीडी है या वीडियो है, ये वीडियो आप उनको शेयर करो, जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सके उतने लोगों को शेयर करो, ताकि वो अपना वजन कम करेंगे। और एक मुझे फिट समाज चाहिए ना, कि अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिट तंदुरुस्त रहे, तो वो होने में मदद आपकी होंगी। तो आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।